Welcome to this lecture on system of particles and rotational motion. We were doing some numericals based on torque, angular momentum, law of conservation of angular momentum and moment of inertia. We discussed 19 questions. Now let us do this question number 20. Question number 20 is very easy question. You can do it yourself. Angular momentum L of a body with moment of inertia I and angular velocity omega is given by. आपको तो ये फार्मूला पता है, सीधे फार्मूला है, सीधे फार्मूला है. L जो होता है, L होता है I omega. Simple numerical. Angular momentum L जो होता है, वो होता है I omega. This is the relation between angular momentum, moment of inertia and angular velocity. So simply your option C is correct. This completes this numerical. Particles of mass 2 kg. हमारे पास पांच पार्टिकल्स है, उनका मास क्या है 2 kg. एक का भी मास 2 kg है, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी और पांचवे का भी. That means these particles have equal mass. Are attached to the ring of a circular disc. Disc. Are attached to the ring of a circular disc. Disc हमारी है. Of radius 0.1 meter. ये जो हमारी जो पांच particles है, इनको attach किया गया है एक disc को. जिस डिस्क का रेडियस कितना है 0.1 मीटर एंड नेग्लिजिबल मास. आपकी जो डिस्क है, उस डिस्क का जो मास है, अपना मास, वो नेग्लिजिबल है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज. हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस which is passing through the center of the disc and is perpendicular to its plane. ठीक है ना? Let us do this question. पास बच्चों, एक disc है. This is the disc. यहाँ पर मैं लूँगा. This is the disc. ये disc का center है. ये axis है. ये axis जो है, डिस्क के सेंटर से पास हो रही है और डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है. ठीक है? इस डिस्क को मैंने पांच पार्टिकल्स अटैच किए हैं. ये पार्टिकल नंबर वन है, ये पार्टिकल नंबर टू है, ये पार्टिकल नंबर थ्री है, ये पार्टिकल नंबर फोर है, ये पार्टिकल नंबर फाइव है. ठीक है? हर एक पार्टिकल की जो मास है वो बराबर है. ठीक है ना? हर एक पार्टिकल की जो मास है दैट्स इक्वल, और हर एक पार्टिकल की मास है 2 kg. जो हमारी ये डिस्क है, इसका जो ये रेडियस है, दिस रेडियस एंड दिस रेडियस इज इक्वल टू 0.1 मीटर. ठीक है? ठीक है. पार्टिकल नंबर वन जो है, उसका मैं मास दूंगा m1. पार्टिकल नंबर टू का मास मैं लूंगा m2. पार्टिकल नंबर थ्री का मास दूंगा m3. पार्टिकल नंबर फोर का मास लूंगा m4. पार्टिकल नंबर फाइव का मास लूंगा m5. ये सारी मासें जो है, ये दे आर इक्वल. यानी हमें m1 बराबर है m2 बराबर है m3 बराबर है m4 बराबर है m5, और वो सारे बराबर है. दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2 kg. इस 2 kg को मैं m से नाम रखूंगा. क्या रखूंगा नाम? m से. ठीक है? यानी इसका भी मास m रखा मैंने, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी. ठीक है? जो ये डिस्क हमारी है, मास ऑफ डिस्क इज नेग्लिजिबल. यानी डिस्क जो है, इसकी मास जो है वो है नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल यानी डिस्क का जो मास है दैट्स नेग्लिजिबल. डिस्क को लगभग लगभग कोई मास नहीं है. लिहाजा हम यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, वी विल नॉट कंसिडर डिस्क, वी विल कंसिडर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हियर. डिस्क का, डिस्क को हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो हम जो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल वन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल टू प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल थ्री, पार्टिकल फोर एंड पार्टिकल फाइव. मास ऑफ डिस्क इज नेग्लिजिबल. देयरफॉर हियर वी कंसिडर
only the 5 particles. यहां पर डिस्क जो है इसका मास नेगलिजिबल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम खाली इन 5 पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। यहां देखो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 1 उसका मास कितना है m1, तो डिस्टेंस रेडियस है उसकी डिस्टेंस r है, वो हो गया r स्क्वायर, ठीक है ना। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा m2 r2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है ना, प्लस m3 r स्क्वायर प्लस m4 r स्क्वायर प्लस m5 r स्क्वायर। हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। लिहाजा पार्टिकल नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया m1 r स्क्वायर, पार्टिकल नंबर 2 का हो गया m2 r स्क्वायर, क्योंकि r सेम है। नाउ m1 किसके बराबर है, m के, ठीक है ना। तो i बनेगा मुझे mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि एम वन बराबर है एम टू बराबर है एम थ्री बराबर है एम फोर बराबर है एम फाइव, सब एम वन एम टू एम थ्री के बदले क्या लिखूंगा मैं एम। तो आपको आई निकला सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम जो है वो निकला आपको 5 टाइम्स एम आर स्क्वायर। यहां मैंने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाला क्योंकि डिस्क का मास 0 है, नेगलिजिबल। मैंने पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, m कितना है 2kg, तो आपका i निकलेगा 2 r का वैल्यू कितना है शाबाश 0.1, ये हो गया 0.1 × 0.1 है ना, 0.1 × 0.1, ठीक है। इसको निकालो आप, ये बनेगा आई फाइव, फाइव है ना सात, ये है सॉरी फाइव इंटू मास है 2 इंटू आर का वैल्यू है 0.1 × 0.1। यहां देखो आई निकलेगा आपको 5 इंटू 2, 0.1 का डेसिमल हटाएंगे, दिस इज 1/10 इंटू 0.1, ये हो गया 5 1s are 5 2s are 10, 2 और 2 कैंसल, आपका आई सीधे निकला 0.1 केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्योंकि डिस्क का जो मास है वो 0 है, इसीलिए जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल नंबर 1 अबाउट दिस एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल नंबर 2 अबाउट दिस एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल नंबर 3 अबाउट दिस एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल नंबर 4 अबाउट दिस एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल नंबर 5 अबाउट दिस एक्सिस। क्योंकि मास सेम है तो ये निकलेगा आई इज इक्वल टू 5 टाइम्स एम आर स्क्वायर, एम का वैल्यू दे दो आर का वैल्यू दे दो आपको सीधे आई निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे जाएंगे, टू डिस्क्स, हमारे पास दो डिस्क्स हैं आप सेम मटेरियल, जिनका मटेरियल सेम है, जब मटेरियल सेम होगा तो डेंसिटी उनकी सेम होगी, यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड थिकनेस, उन डिस्क्स की जो थिकनेस है वो भी सेम है, ठीक है। हैव रेडियाई 0.2 मीटर एंड 0.6 मीटर, हमारे पास दो डिस्क्स हैं, उन दो जो वो दो डिस्क है दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड दे हैव द सेम थिकनेस, मगर रेडियस उनकी डिफरेंट है, एक का रेडियस है 0.2, दूसरे का रेडियस है क्या, एक का 0.2 है दूसरे का 0.6 मीटर है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस विल बी इन द रेशियो, हमें पहले एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स एक्सिस, उसके बाद दूसरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स एक्सिस, फिर उन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या का निकालना है मुझे रेशियो। देखो कैसे करें, लेट अस डू, देखो बच्चों देखो हमारे पास दो डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये मालूम है एक डिस्क, दिस इज वन डिस्क, इसका जो थिकनेस है दिस थिकनेस ये t है, यहां पर दूसरी डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है भाई, इस डिस्क का जो रेडियस है
उसको मैं आर वन लूंगा, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस है, इसको मैं आर वन लूंगा। इस डिस्क का जो रेडियस है इसको मैं आर टू लूंगा। आर टू डिस्क होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज डिस्क, दिस इज डिस्क वन, डिस्क दिस इज सेकंड डिस्क, सेकंड डिस्क। मुझे निकालना है इन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस। जो डिस्क की एक्सिस यहां पर हम लेंगे, दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये ऐसे है, दिस इज एक्सिस। हमें पता है, पहले हम यहां लिखेंगे आर वन जो है वो है 0.2 मीटर, वही है भाई, एक डिस्क का जो रेडियस है वो है 0.2। इस डिस्क का जो रेडियस है उसका मैं आर टू लूंगा, दैट इज आर टू, वो है 0.6 मीटर, ठीक है ना। इसका 0.2, उसका कितना 0.6। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आई वन रखूंगा अबाउट दिस एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आई टू रखूंगा अबाउट दिस एक्सिस विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। भाई लोग देखो, मुझे पता है जो मेरी डिस्क होती है, इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई वन बाई टू एम आर स्क्वायर, वन बाई टू एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, वो होता है आई इज इक्वल टू वन बाई टू एम आर स्क्वायर। अब ना इस डिस्क का मास दिया गया है, ना इस डिस्क का मास दिया गया है, मैं इस मास को कन्वर्ट करूंगा इनटू डेंसिटी, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड दे हैव सेम थिकनेस, देयरफॉर इनकी डेंसिटी जो होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म। हमें पता है डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो डिस्क है ये सर्कुलर है, ठीक है ना, इस डिस्क का जो एरिया होगा वॉल्यूम होगा एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया इंटू थिकनेस। अब जो है डिस्क है इसका जो मास होगा फिर, तो दिस एम विल बी इक्वल टू एरिया जो डिस्क का होगा, एरिया जो डिस्क का होगा, डिस्क सर्क्यूलर है, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिस्क क्या है सर्कुलर, इनटू थिकनेस, थिकनेस मैंने दोनों डिस्क्स की टी ले ली, थिकनेस टी है, इनटू टी, ठीक है ना, ठीक है ना, इनटू टी, इनटू क्या है रो, रो क्या है डेंसिटी, और यहां देखो डेंसिटी रो है मास बाय वॉल्यूम, मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इनटू थिकनेस, एरिया डिस्क का होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इनटू है थिकनेस, थिकनेस कितनी है टी, ये दोनों डिस्क की सेम है, इनटू है रो। अब इस मास का जो वैल्यू है वो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका आई जो है आई आई निकलेगा 1/2, शाबाश, 1/2 मास के बदले क्या लिखूंगा मैं पाई आर स्क्वायर टी इंटू रो इंटू है अपना आर स्क्वायर। यहां देखो बच्चों, जो ये मास है, मास के बदले मैंने लिखा पाई, यहां देखो आर स्क्वायर इंटू टी इंटू रो, ठीक है, ठीक है, यहां पर देखो आप पाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, थिकनेस टी जो है वो कॉन्स्टेंट है, दोनों डिस्क की सेम थिकनेस, रो डेंसिटी ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटीरियल, ठीक है ना, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब है जो आई आपका होगा ये होगा प्रोपोर्शनल टू आर जर्ब आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, वो क्या होगा आर रेज टू पावर 4। तो आपका डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां निकला वो आपको लास्ट पे निकला प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 4, ठीक है ना। इसका मतलब है जो आई वन होगा, आई वन होगा प्रोपोर्शनल टू उस डिस्क का रेडियस क्या है आर वन, ये होगा प्रोपोर्शनल टू आर वन रेज टू पावर 4, ठीक है,
आई टू जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू आर टू रेज टू पावर फोर, ठीक है। इनको डिवाइड करो, चूंकि आपको रेशियो निकालना है, डिवाइडिंग, तो आपको निकलेगा आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू, ये निकलेगा आई वन इज इक्वल टू के टाइम्स आर वन स्क्वायर, के कांस्टेंट होगा प्रोपोर्शनल देगा, तो यहां पर भी निकलेगा के टाइम्स के और के डिविजन में खत्म होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा, ये आर वन रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाई आर टू रेज टू पावर फोर, ठीक है। ऊपर भी पावर फोर है, नीचे भी पावर फोर है, मैं ऐसे लिखूंगा आई वन डिवाइडेड बाई आई टू इज इक्वल टू आर वन डिवाइडेड बाई आर टू होल रेज टू पावर फोर, ठीक है। अब वैल्यू लगा भाई, वैल्यू लगाओ, वैल्यू लगाओ आप भाई, देखो आप, ये बनेगा आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू, बोलो बच्चों आर वन कितना है, आर वन कितना है 0.2 डिवाइडेड बाई वो कितना है 0.6 होल रेज टू पावर फोर, होल रेज पावर फोर, यहां पर भी पॉइंट है, यहां पर भी पॉइंट है, क्योंकि यहां पर डेसिमल, डेसिमल के पास एक ही प्लेस है, डेसिमल के पास एक ही प्लेस है, तो ये डेसिमल कट होता है, क्योंकि यहां पर भी हो गया 2/10, नीचे भी हो गया 6/10, 10-10 खत्म, तो आप सीधे रखो कि डेसिमल डेसिमल खत्म होगा, ये बनेगा 2/6, 2 1s are 2 3s are 6, तो आपका आई वन बाय आई टू निकला 1/3 होल रेज टू पावर फोर, ये निकलेगा आई वन बाय आई टू 1 raised to power 4 divided by 3 raised to power 4, ये निकलेगा आपका I1 by I2 is equal to 1 divided by 81, क्योंकि 1 raised to power 4 हो गया 4 ही, 3 raised to power 4 हो गया 81, 3 3s are 9 3s are 27 3s are 81, तो आपको निकला I1 is to I2, जो इनका रेशियो निकला वो निकला 1 is to 81, 1 is to 81, क्या था आपके पास, दो डिस्क थे, उनका थिकनेस सेम था, ठीक है ना, दोनों का रेडियस दिया गया था, हमें निकालना था दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर, तो हमें पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू 1/2 mr², यहां मास नहीं दी गई है, अब मैंने मास कन्वर्ट की इनटू डेंसिटी, मास था डेंसिटी था मास बाय वॉल्यूम, लिहाजा मास था डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम था एरिया इनटू थिकनेस, एरिया जो डिस्क था, डिस्क सर्कुलर थी वो था πr², थिकनेस थी t, टी इनटू डेंसिटी थी रो, तो मास का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें निकला आई इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज पावर 4, इसका मतलब है आई वन जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू आर वन रेज पावर 4, उसकी रेडियस आर वन है, आई टू होगा प्रोपोर्शनल टू आर टू रेज पावर 4, उसकी रेडियस आर टू है, तो उन दो को डिवाइड किया, ये बना आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू आर वन रेज पावर 4 डिवाइड बाई आर टू रेज पावर 4, तो वहां आपने आई वन बाई आई टू होगा आर वन बाई आर टू रेज पावर 4, आर वन का और आर टू का वैल्यू दिया, आपको निकला आंसर, ठीक है। फुल क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मीटर स्केल, मीटर स्केल, मीटर स्केल वो स्केल होती है जो 1 meter लॉन्ग होगी, 1 meter लॉन्ग हो मतलब 100 centimeter लॉन्ग होगी, लेंथ ऑफ मीटर स्केल को जो होता है वो होता है 1 meter या होता है 100 centimeter, बिकॉज 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter। हमारे पास एक मीटर स्केल है जिस मीटर स्केल का मास जो है दैट इज 0.6 kg, द मास ऑफ द मीटर स्केल इज 0.6 kg, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें उस मीटर स्केल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्केल, ये स्केल है, हमें यहां पर एक एक्सिस लेनी है जो एक्सिस इस स्केल को क्या है परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे About that axis, मुझे moment of inertia निकालना है, and located 20 centimeter position on the scale in kg meter scale, जो ये scale है ये 100 centimeters है, क्योंकि ये meter scale है, मुझे निकालना है moment of inertia about that axis, जो axis इस meter scale को perpendicular होगी, और जहां पर इसका 20 centimeter length होगा, वो axis उसी 20 centimeter वाले point से pass होता होगा, है ना, about an axis perpendicular to the scale and located 20 centimeter position on the scale, ठीक है ना। Let us do this question. पहले मैं यहां पर मीटर स्केल बनाऊंगा, यहां देखो दिस इज मीटर स्केल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, ये मेरी मीटर स्केल है, यहां पर मैं लूंगा 0, यहां पर मैं लूंगा 20 centimeters, यानी यहां तक 20 है, 20 centimeters,
ये होगा 40, ये होगा 60, ये होगा 80, ये होगा 60, ये होगा 80, ये होगा 100, ये होगा 100, ठीक है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जो होता है वो होता 1 मीटर, वो होता क्या 1 मीटर। यहां देखो, हम पहले लिखेंगे मास ऑफ मीटर स्केल, एम को लेंगे हम मास ऑफ मीटर स्केल, कैपिटल एम या स्मॉल एम ले लो कैपिटल एम, कैपिटल एम है मास ऑफ मीटर स्केल, मास ऑफ मीटर स्केल वो मैंने लिया है 0.6 kg, मास ऑफ मीटर स्केल जो है वो है 0.6 kg, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मुझे इसी स्केल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस जो इसको परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस है, ये इसको परपेंडिकुलर है, और ये एक्सिस जो है ये उस पॉइंट से पास होती है जिस पॉइंट की पोजीशन स्केल पे कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अरे बाबा, ये जो एक्सिस है ये पास, ये परपेंडिकुलर है स्केल में, और ये पास होगी स्केल के उस पोजीशन पे जे जहां पर स्केल की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहां, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इस स्केल का जो सेंटर ऑफ मास होता है, इस स्केल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है इट्स मिड पॉइंट, पढ़ाया है मैंने, जो स्केल होता है, स्केल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पॉइंट लाई करता है इस स्केल के मिड पॉइंट पे। इस स्केल का जो कुल लेंथ है वो कितना है 100 सेंटीमीटर, अगर मीटर में लेंगे वो होगा 1 मीटर। तो इसका सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पे होगा, 50, ये 50 है। तो अगर मैं यहां पर एक और एक्सिस ड्रा करूंगा, ये जो एक्सिस है ये पास होती है इसके सेंटर ऑफ मास से, ये पास होती है इसके किस से, सेंटर ऑफ मास से, ये एक्सिस पास होती है इसके सेंटर ऑफ मास से, है ना। सपोज जो इस मीटर स्केल का, जो इस मीटर स्केल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, सपोज उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं नाम लूंगा ICM। यहां पर मैं स्केल के दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल सकता हूं, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट दैट दिस एक्सिस जो मुझे निकालना है, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मैंने खुद डाली, मुझे ये एक्सिस दी गई है, ये एक्सिस मैंने खुद डाली, लेकिन ये एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ मास से पास होती है। अब ये एक्सिस और ये एक्सिस जो है ये क्या है, आपस में पैरेलल है, तो मैं यहां पर लगाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम या इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनदर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ बॉडी प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, इसका नाम मैं डी रखूंगा। ओ भाई, यहां पर थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं मैं, मुझे ये एक्सिस दी गई थी, ये एक्सिस मैंने ड्रा की खुद, क्योंकि ये एक्सिस जो है ये पास होती है सेंटर ऑफ मास से, और ये गिवन एक्सिस को पैरेलल है, तो यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती होगी और गिवन एक्सिस को पैरेलल होती होगी, प्लस मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो यहां पर जो आई होगा वो आई यहां पर होगा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ये आई होगा बराबर आई सी एम प्लस एम इनटू डी स्क्वायर एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई जो है ये निकालना आपको, व्हाट इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, इसका मैं नाम रखूंगा ए बी। व्हाट इज ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। यहां देखो, अगर आपके पास एक रॉड होगी जिस रॉड का लेंथ एल होगा,
अगर यहां पर आपको एक एक्सिस होगी वो इस राड के सेंट्रा पास से पास होगी, जो इस राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, विच एक्सिस, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। परसों दिखाया था आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राड अबाउट एन एक्सिस विच पासिस थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, वो किसके बराबर होता है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। एल क्या है लेंथ ऑफ राड, एम क्या है मास ऑफ राड। तो आपका यहां पर आईसीएम जो होगा वो होगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। एम तो पता है मेरा वो 0.6 केजी है। अब ये डी 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 इन दो एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस है, ये देखो इन दो एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस 50, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस 20, और ये डिस्टेंस जो रही ये रही 50 - 20 वो कितना होगा 30 सेंटीमीटर। अरे बाबा यहां से यहां कितना 20, यहां से यहां कितना 50, अब यहां से यहां जो डिस्टेंस होगी वो होगी 50 - 20 वो कितना होगा 30। यहां पर जो आपका डी है, डी आपका है 30 सेंटीमीटर, वो हो गया 30 / 100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में तकसीम करो क्योंकि मास जो है वो केजीज में है, तो ये होगा 30 / 100 सेंटीमीटर। 1010 खत्म, ये होगा 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर। ठीक है बच्चा। एम एम जो है वो है मास ऑफ मीटर स्केल, वो है 0.6 केजी। एल एल जो है एल वो इस सारे मीटर स्केल की लेंथ है, वो कितना है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, वो है 100 सेंटीमीटर यानी वो है 1 मीटर। तो लगाओ इस इक्वेशन में, ये बनेगा आई इज इक्वल टू आई सी एम, आई सी एम किसके बराबर है शाबाश एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। एम जो है वो कॉमन आएगा, ये बनेगा आई इज इक्वल टू एम, मैंने कॉमन लिया ये है एल स्क्वायर बाय 12 प्लस डी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय 12 प्लस डी स्क्वायर। एम जो है बच्चा एम, एम को मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। ये क्या बन गया शाबाश, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस डी स्क्वायर, वैल्यू दे दो, ये बनेगा आई इज इक्वल टू एम, एम कितना है शाबाश 0.6 इंटू एल कितना है, एल कितना है 1, ये है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस डी कितना है, डी कितना है 0.3 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आपका आंसर मिलेगा। तो आपका आई जो होगा, आई होगा आपका 0.6 इंटू 1/12 प्लस, देखो बच्चा यहां देखो 0.3 स्क्वायर हो गया, 0.3 इंटू 0.3 3 3 हो गया 9, डेसिमल आएगा 2 के बाद, ये आएगा 0.09, तो ये होगा प्लस 0.09। अब मल्टीप्लाई करो उसको 12 से, ये बनेगा आई इज इक्वल टू 0.6 इंटू 12 9 हो गया 108, 9 2 18 1 है कैरी, 9 1 9 9 + 1 10, डेसिमल आएगा 2 के बाद, 2 के बाद, ठीक है ना, ये बनेगा 1.08, तो ये बनेगा 1 प्लस 1.08 डिवाइडेड बाय 12, 12 से इसको मल्टीप्लाई करके आपको निकला 1.08, क्योंकि 12 9 है 108। अब ऐड करो, ये निकलेगा I इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2 1 + 1 = 2 2 + 0.8 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको ऐसे लिखो, यह होगा 6/10, 6 का डेसिमल हटाया मैंने, 6/10 इंटू शाबाश 2.08 डिवाइडेड बाय 12, 6 के साथ काटो इसको कसर, 6 1 6 2 यहां पर फिर कटेगा, 2 1 2 यहां पर 0 2 4 8, तो आपका आई जो है वो निकलेगा 1.04 डिवाइडेड बाय 10, 1.04 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय ये 10, जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे ये निकलेगा आपका 0.104 केजी मीटर स्क्वायर। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला 0.104 केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपली आई हैव सॉल्वड दिस क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, समझ आ रहा, समझ आ रहा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चीज है ज़बानी याद रखना। ए स्फीयर ऑफ मास 10 केजी,
स्फीयर का मास कितना है? लिखो भाई मास 10 की। रेडियस 0.5 मीटर, आर जो है वो है 0.5 मीटर। स्फीयर का मास है 10 केजी, स्फीयर का रेडियस है 0.5 मीटर, रोटेट्स अबाउट द टेंजेंट। ये स्फीयर जो है इसको टेंजेंट ड्रा किया है मैंने, ये स्फीयर रोटेट करता है अबाउट दैट टेंजेंट, यानी यहां पर जो इसकी इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है टेंजेंशियल एक्सिस। ये कह रहा ना, रोटेट्स अबाउट द टेंजेंट, यानी ये स्फीयर जो है इट रोटेट्स अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस, तो यहां पर जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो होगी टेंजेंट, ठीक है ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज, सॉलिड स्फीयर होता है जिसमें मास होता है, ठीक है ना। देखो मैं यहीं पर करूंगा इसको, यहीं पर ये सॉलिड स्फीयर है, ये इसकी एक्सिस है। हमें इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस टेंजेंशियल एक्सिस, ठीक है ना। वो किसके बराबर होता है? वो होता है I इज इक्वल टू 7/5 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस किसके बराबर होता है? 7/5, शाबाश, 7/5 एम आर स्क्वायर। ये खुद करेंगे आप, एम तो दिया गया है कितना, कितना दिया गया? 10, तो ये हो गया 7/5 इंटू 10 इंटू आर स्क्वायर। एक मिनट में करो, आई हो गया फिर आपका बराबर 7/5 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये हो गया 5 1s are 5 2s are 10, ये होगा आई इज इक्वल टू 14 इंटू 0.5 इंटू 0.5। यहां से आप कैलकुलेशन खुद करें, केजी केजी मीटर स्क्वायर सिंपली। तो जो स्फीयर का, जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट होता है, अबाउट द टेंजेंट, वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? किसके बराबर? वो किसके बराबर होता है? 7/5 एम आर स्क्वायर, 7/5 एम आर स्क्वायर। चलिए बेटा सब, बस तीन रिंग्स है, ये रिंग नंबर 1 है, ये रिंग नंबर 2 है, ये रिंग नंबर 3 है। तीनों रिंग्स का जो मास है वो सेम है, इस रिंग का मास भी एम है, इस रिंग का मास भी एम है, और इस रिंग का मास भी एम है, और तीनों रिंग्स की रेडियस जो है वो है आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर। इनको मैंने ऐसे अरेंज किया फिगर में, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग नंबर 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग नंबर 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग नंबर 3 अबाउट दिस एक्सिस। वाई वाई डैश एक्सिस क्या होगा, ठीक है ना। इस सिस्टम में मुझे निकालना है कि तो इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग नंबर 1 अबाउट दिस वाई वाई डैश एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग नंबर 2 अबाउट दिस एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग नंबर 3 अबाउट दैट एक्सिस। सपोज लेट अस नाउ डू दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों, सपोज रिंग नंबर 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I1 अबाउट व्हाट एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस। रिंग नंबर 2 जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लूंगा मैं I2। रिंग नंबर 3 जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लूंगा I3। इस सारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अबाउट दिस वाई वाई डैश एक्सिस वो मैं लूंगा I। तो I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मुझे निकालना है व्हाट इज I1, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग नंबर 1 अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश। व्हाट इज I2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग नंबर 2 अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश। What is I3? Moment of inertia of ring number 3 about axis? अब मुझे यहां देखना है डायग्राम की तरफ, मुझे देखना है यह एक्सिस कहां से जा रही है। देखो रिंग नंबर 1 की, रिंग नंबर 1 में जो ये एक्सिस है ये एक्स वाई वाई डैश है, ये रिंग नंबर 1 के सेंटर से पास होती है ना। जो एक्सिस वाई वाई डैश है ये रिंग नंबर 1 के सेंटर से पास होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर वो होता है बराबर एम वन, क्या होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर वो किसके बराबर होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर। जो रिंग नंबर 1 है, जो वाई वाई डैश एक्सिस है, ये इसके किससे पास होती है, किससे पास होती है, सेंटर से।
तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग नंबर 1 अबाउट एक्सिस y y डैश वो किसके बराबर होगा 1 / 2 mr स्क्वायर, यानी ये बनेगा ऐसे i is equal 1 / 2 mr स्क्वायर। यहां देखो डायग्राम की तरफ, डायग्राम बहुत जरूरी है, देखो रिंग नंबर 2 जो है, जो y y डैश एक्सिस है, ये इसका क्या है, y y डैश जो एक्सिस है रिंग नंबर 2 के सेंटर से पास होती है, नहीं होती है पास, ये इसको क्या है रिंग नंबर 2 को टेंजेंशियल। तो ये ऐसे है रिंग नंबर 2 को जो ये y y डैश है ये इसको टेंजेंट है, लिहाजा ये इसकी टेंजेंशियल एक्सिस है। जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस होता है वो होता है 3/2 एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस वो होता है 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आई टू क्या होगा शाबाश, वो होगा 3/2 एम आर स्क्वायर प्लस आई थ्री जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग 3, तो रिंग 3 को भी जो वाई वाई डैश है वो इसके सेंटर से पास होगी कि टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आई थ्री भी होगा किसके बराबर 3/2 एम आर स्क्वायर, आई वन तो होगा 1/2 एम आर स्क्वायर, क्योंकि वाई वाई डैश एक्सिस जो होते वो उसके सेंटर से पास होती है। अब ऐड करो ये बनेगा आई इज इक्वल टू 3 + 3 हो गया 6 + 1 हो गया 7, दिस इज 7/2 एम आर स्क्वायर, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्या आएगा इसका राइट ऑप्शन शाबाश, 7/2 एम आर स्क्वायर। M1, M2 and M3 are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. हमारे पास तीन पार्टिकल्स है, एक का मास M1 है, दूसरे का मास M2 है, तीसरे का मास M3 है, उनको मैंने रखा है at the corners of an equilateral triangle. उस ट्रायंगल का हर एक साइड क्या है बेटा, A, A, ठीक है ना, वो तो मुझे पता है। The moment of inertia, अब मुझे moment of inertia निकालना इस सिस्टम का, about an axis passing through the center of M1, passing through the center of M1, मैंने निकालना है moment of inertia, एक axis, about one axis, वो axis कहां से पास होती है, वो axis पास होती है about what, about the center of M1, ठीक है ना, and perpendicular to its opposite side, जो M1 का opposite side है उसको क्या है वो perpendicular, see how I will do this। देखो बच्चों यहां पर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, यहां पर, यहां देखो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस ये साइड भी ए, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए, यहां पर मैं मासेस रखूंगा, यहां पर मैंने एक मास रखी, दिस इज M1, यहां पर मैंने दूसरी मास रखी, इसका नाम मैं रखूंगा M2, यहां पर मैंने तीसरी मास रखी, इसका मास, इसका नाम रखूंगा मैं M3, दीज थ्री मासेस दे आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखो दीज थ्री मासेस दे आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, they are placed at the three corners of an equilateral triangle. देखो इससे ठीक है, देखो बच्चों एक मास का, एक एक का मास है M1, दूसरे का मास है M2, तीसरे का मास क्या है M3, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जो M3 के सेंटर से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है ऐसे, और जो M1 का जो अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर है, यानी मुझे निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस को मैं नाम रखूंगा A डैश, ये जो A डैश एक्सिस है ये पास होती है M1 के सेंटर से, ठीक है ना, और इस अपोजिट साइड को क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसका मतलब है जो ये A डैश है ये इस साइड को, जो ये साइड है, ये साइड
इसका मैं नाम रखूंगा, इस साइड का नाम रखूंगा मैं BC, इस साइड को ये क्या करेगा, इस साइड को ये डिवाइड करेगा इनटू टू हाउस, ठीक है ना। यानी ये ए डैश जो होगा ये BC का मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब है यहां तक भी a बाई टू होगा, यहां तक भी a बाई टू होगा, ठीक है ना। जो ये जो ए ए डैश है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है किसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के अपोजिट साइड से आ रहा, ये इस साइड को होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो यहां तक, यहां से यहां तक, यानी मास M2 से एक्सिस तक कितना डिस्टेंस है, a बाई टू, ठीक है ना। मास M3 से, या मास M3 से a डैश तक कितना डिस्टेंस है, m बाई टू। सपोज जो मास M1 होगा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगा उसका नाम रखूंगा m1, जो मास m2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा उसका नाम रखूंगा i2, जो मास m3 बनाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा i3, जो इस टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ना i1 plus i2 plus i3, मैं ऐसे लिखूंगा। i जो है वो है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, दिस विल बी इक्वल टू i1 plus i2 plus i3। यहां देखो ऐसे लिखूंगा मैं, i is equal मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस, क्या है कौन सी डिस्टेंस, जो एक्सिस से डिस्टेंस होगी, यहां देखो बड़ा जरूरी है, जो डिस्टेंस एक्सिस से होगी, देखो मास m2 है इसको एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है a by 2, मास m3 है इसको एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, हमें ये एक्सिस है, लेकिन जो मास m1 है ये किस पे लाई करता है, एक्सिस पे। अरे मास m1 जो है वो लाई किस पे करता है, एक्सिस पे, है ना। तो इसका मतलब है मास m1 के लिए जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस होगा वो होगा जीरो। यहां देखो ये जरूरी है, मास m1 जो है, m1 ये किस पे लाई करता है, ये किस पे लाई करता है, एक्सिस पे, यानी एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जो है वो जीरो होगी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा i into i, i1 जो होगा वो होगा m into जीरो स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जीरो, क्यों जीरो है, बिकॉज मास m1 जो है वो लाई करता है किस पे, एक्सिस पे। अब देखो प्लस m2, प्लस m2 into डिस्टेंस स्क्वायर, m2 कितना दूर है एक्सिस से, a by 2, तो ये होगा a by 2 का होल स्क्वायर, प्लस m3 into डिस्टेंस स्क्वायर, m3 कितना दूर है एक्सिस से, a by 2 into a by 2 का होल स्क्वायर। तो आपका i जो है वो निकला आपको m1 into 0 स्क्वायर हो गया, 0 ही, ठीक है ना, प्लस m2 ये निकलेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि a by 2 होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, प्लस ये हो गया m3 into, वो निकलेगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि वो है a by 2 का होल स्क्वायर। अब यहां निकालो, ये निकलेगा i is equal to m2 into a स्क्वायर बाय 4 प्लस m3 into a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकालो, a स्क्वायर बाय 4 मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में रखा m2 plus m3। यहां पर एक ही चीज देखना है, देखो मेरे बेटा यहां तो एक ही चीज देखना है आपको, देखना है जो बॉडी होगी वो कितना दूर होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्योंकि मास m1 जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है ना, लिहाजा उसके लिए डिस्टेंस जो है वो जीरो है, ये जो है इनके लिए डिस्टेंस है a by 2, a by 2, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला सिस्टम का। सो दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थ्री पॉइंट मासेस हमारे पास, कितने पॉइंट मासेस है, थ्री पॉइंट मासेस, ईच ऑफ मास m, हर एक का मास कितना है m, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या है a, अभी तक वही पुराना ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां मासेस डिफरेंट थे, यहां मासेस सेम है। Then the moment of inertia of this system about an axis passing along one side of triangle, ये perpendicular है side को, it is passing along one side of triangle, passing along one side of triangle, देखो कैसे निकालें, let us do this first, क्या हो सकता है, देखो बच्चों यहां पर एक equilateral triangle है, ये देखो मेरे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर इसके कॉर्नर पे मैंने तीन मासे रखी है, दिस इज मास, इसका नाम रखूंगा मैं एम वन, और ये एम वन वहीं से दिया गया है एम के बराबर, ठीक है, ये है मास नंबर टू, इसका नाम मैं रखूंगा एम टू, और ये एम टू वहीं से दिया गया है एम के बराबर, ये है मास नंबर थ्री, इसका नाम रखूंगा मैं एम थ्री, ये वहीं से दिया गया है एम के बराबर, ठीक है बच्चों,
यहां देखो ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये साइड ए है। अब क्वेश्चन कह रहा है मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m3 अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस अलोंग द वन साइड। एक वो एक्सिस जो एक साइड से पास होती, जो एक साइड से पास हो रही है, ठीक है ना। तो देखो मैं ये एक्सिस दूंगा, ये मैं एक्सिस दूंगा, ये एक्सिस जो है दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस जो है दिस पासेस अलोंग वन साइड। अरे है ना एक साइड, इस ट्रायंगल के तीन साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये जो एक्सिस है इट पासेस अलोंग दिस साइड। अब यहां देखो जो मास m2 है इट लाइज ऑन द एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, ठीक है ना। जो मास m3 है इट लाइज ऑन द दिस एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इन दो के लिए क्या डिस्टेंस है, जीरो, बिकॉज दे लाई ऑन द एक्सिस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ड्यू टू मास m1, ड्यू टू मास m1। अब हम देखेंगे मास m1 कितना दूर है इस एक्सिस से, यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उसका नाम रखेंगे ए ए ए बी सी ए डी, यहां इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी। अब जो यहां पर, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये इसका तो जीरो होगा, इसका तो जीरो होगा, अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली ये मास कंट्रीब्यूट करेगी, इसकी डिस्टेंस जो एक्सिस से है वो कितनी है ए डी, है ना ए डी, तो ये होगा एम वन इंटू ए डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें ए डी निकालना है, ए डी हम निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखो हम लिखेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो होगा एम आई वन, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू मास एम वन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू मास एम टू प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू मास एम थ्री। ये होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, यहां देखो तो ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये हो गया आई इज इक्वल टू आई वन है मास एम वन का, मास एम वन का, ठीक है ना। ये हो गया एम वन इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या है वो डिस्टेंस ए डी, ये होगा ए डी स्क्वायर प्लस एम टू इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, क्योंकि एम टू किस पे लाई करती है एक्सिस पे, तो डिस्टेंस कितना होगा इसके लिए जीरो, ये होगा जीरो स्क्वायर, ठीक है। प्लस एम थ्री, एम थ्री इनटू एम थ्री किस पे लाई करता है, एम थ्री किस पे लाई करता है एक्सिस पे, डिस्टेंस क्या होगा जीरो, तो दिस इज जीरो स्क्वायर। तो यहां पर आपका आई सीधे सीधे निकलेगा एम वन इंटू ए डी स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, ठीक है। ये निकलेगा आई इज इक्वल टू एम वन जो है वो एम के बराबर है, वो होगा एम इंटू ए डी स्क्वायर, ठीक है, एम इंटू ए डी स्क्वायर। अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए डी, ए डी स्क्वायर निकालेंगे। ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोथेन्यूज है, ये हाइपोथेन्यूज है, ये हो गया ए स्क्वायर आपका हाइपोथेन्यूज है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यहां से यहां तक ए बाई टू है, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू ए बाई टू का होल स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज ए डी स्क्वायर, यानी इस हाइपोथेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना बचा a by 2, this is a by 2 square plus a d square, this is a square is equal to a square divided by 4 plus a d square, a d square, a square by 4 वहां लाओ तो ये बनेगा a d square is equal to a square divided by 4, a square minus a square divided by 4, cross multiply करो, ये बनेगा आपका a d square minus, ये बनेगा ऐसे 4 a square माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ठीक है ना। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, तो आपको क्या निकलेगा मेरे बच्चों, क्या निकलेगा आपको, निकलेगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ए डी निकालो बच्चों, ए डी हो गया बराबर अंडर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। देखो 4 रूट से बाहर आएगा 2 की सूरत में, ए भी रूट से बाहर आएगा, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या निकलेगा बच्चों, ये क्या निकलेगा आपको, शाबाश, ये निकलेगा आपको a बाई टू रूट थ्री,
लेकिन हमें क्या जरूरत है, हमें एडी नहीं जरूरत है, हमें एडी स्क्वायर की जरूरत है, एडी स्क्वायर की जरूरत है ना, एडी स्क्वायर की जरूरत है यहां पर जरूरत है। देयरफॉर इसको रखो फर्स्ट नाम, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स आपका आई जो होगा वो होगा एम इंटू थ्री ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, यानी आपका जो आई है वो निकलेगा थ्री बाई फोर एम ए स्क्वायर, थ्री बाई फोर को बाहर ले लो, थ्री बाई फोर एम ए स्क्वायर। ठीक है बच्चा? अरे ठीक है ना, दिस कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ठीक है चलिए बच्चों, थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास एम ग्राम, हमारे पास तीन पार्टिकल्स है जिनका मास हर एक पार्टिकल का है एम ग्राम। दे आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड एल सेंटीमीटर्स, ऑफ साइड एल सेंटीमीटर्स, दिस इज एल, ऑफ साइड एल सेंटीमीटर्स, हर एक साइड का जो लेंथ है वो कितना है एल सेंटीमीटर्स, एज शोन इन फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम अबाउट एन एक्सिस ए एक्स, दिस ए एक्स, दिस ए एक्स, दिस एक्सिस ए एक्स, ठीक है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस एक्सिस ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी एंड इन द प्लेन ऑफ ए बी सी इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स विल बी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा हमारे ये है आर बी, ये डिस्टेंस जो है ये है आर सी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये यहां पर, यहां पॉइंट ए पे भी मुझे बॉडी है उसका मास है एम, पॉइंट बी पे भी मुझे बॉडी है उसका मास है एम, पॉइंट सी पे भी मेरी बॉडी है उसका मास है एम। देखो मुझे इस सारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस ए एक्स, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज जो ए वाला ए वाली बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाएगी उसको रखूंगा मैं आई वन, जो बी वाली बॉडी बनाएगी उसको रखूंगा मैं आई टू, और जो सी वाली बॉडी बनाएगी उसका लिखूंगा मैं आई थ्री, आई थ्री। अब देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस ए एक्सिस ए एक्स होगा वो होगा ए आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम अबाउट एक्सिस ए एक्स। ठीक है, ठीक है, तो वो ऐसे होगा आई इज इक्वल टू एम, यानी मास ऑफ, हम ऐसे लिखेंगे एम ए यानी मास ऑफ बॉडी एट ए, मास ऑफ बॉडी एट ए इनटू उसका डिस्टेंस लिखेंगे आर ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, पूर्ति बुझो, प्लस आई टू है मास ऑफ बॉडी एट बी, दिस इज एम बी इनटू जो डिस्टेंस है बी का ए एक्स से वो इसने लिखा है आर बी, दैट इज आर बी स्क्वायर, प्लस आई थ्री जो है वो मास दिस का जो मास कहां पर है सी पे, This is MC into RC whole square। अरे भाई ये देखो, वो मैं I1 जो होगा वो M A यानी mass at A into distance of A from the axis of rotation उसका square, IB I2 जो होगा वो होगा mass at B into distance of B from the axis of rotation that is RB square। ठीक है ना, इसी तरह होगा mass at C into distance of mass at C from the axis of rotation। अब body A जो है, body A जो है ये lie करती है axis पे, ये देखो हमें एक्सिस कौन सी है ए एक्स, तो बॉडी ए जो है वो लाई करती है एक्सिस पे, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होगी जीरो। ठीक है ना, तो आर ए कितना होगा जीरो। ठीक है ना, तो ये बनेगा ऐसे आर इज इक्वल टू एम ए मास ऑफ बॉडी एट ए दैट इज स्मॉल एम, एम इंटू आर ए हो गया जीरो, दिस इज एम इंटू जीरो स्क्वायर। ठीक है ना, क्यों जीरो है, क्योंकि बॉडी ए जो है वो लाई करते किस पे एक्सिस पे, किस पे लाई करते एक्सिस पे, प्लस एम बी, एम बी अब देखो आर बी कितना दूर है, आर बी जो है ये साइड भी एल है, ये साइड भी एल है और ये साइड भी एल है, ये साइड भी एल है, अब आर बी जो है वो ए एक्स से कितना दूर है एल। अरे देखो ना, ये बॉडी बी जो है, बॉडी बी, बॉडी बी जो है
इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है एल, इसकी डिस्टेंस मैंने डिनोट किया आर बी से, आर बी किसके बराबर है एल के बराबर है ना, तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस एम एम, चूंकि एम बी जो है वो भी एम है, प्लस एम सी जो है वो भी एम है, एम इंटू आर सी स्क्वायर। देखो आर सी क्या है, आर सी है डिस्टेंस ऑफ बॉडी एट सी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये डिस्टेंस है ना, इसका मतलब है ये है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम रखेंगे नाम डी ए डी, यानी ये डिस्टेंस ए डी ए डी ए डी, ठीक है ना। ए डी हम कैसे निकालेंगे, ये एंगल जो है ये कितना डिग्री दिया गया है जरा देखो, ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा इंटू ए डी स्क्वायर, इंटू ए डी स्क्वायर, क्योंकि बॉडी सी जो है बॉडी सी, बॉडी सी ये ए एक्स से कितना दूर है ए डी, तो ए डी स्क्वायर। अब ये टर्म जीरो बन गई, ये बनेगा आई इज इक्वल टू जीरो प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम इंटू ए डी स्क्वायर। देखो ए डी में कैसे निकालूंगा, मैं फिर से ट्रेंड लूंगा सी डी ए, सी डी ए, यहां देखो सी डी ए इन ट्रायंगल सी डी ए, देखो मुझे ए डी निकालना है, ए डी डिवाइडेड बाय ए सी वो होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ए डी डिवाइडेड बाय ए सी वो है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वो होगा कॉस 60। ये होगा ए डी डिवाइडेड बाय ए सी जो आपका है वो है एल कैपिटल एल वो होगा कैपिटल एल इंटू कॉस 60 है ना, तो ये होगा ए डी, ए डी इज इक्वल टू एल कॉस 60 डिग्री, एल कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो ए डी जो है वो निकलेगा एल इंटू 1/2, कॉस 60 होता है 1/2, यानी ए डी जो है वो सीधे आपको निकला एल बाय टू, एल बाय टू, ठीक है, निकला ना एल बाय टू, तो लगा हुआ इधर वैल्यू, देयरफॉर आपका आई जो होगा वो होगा एम एल स्क्वायर प्लस एम इंटू एल बाय टू का होल स्क्वायर, तो आपका आई जो है वो बनेगा एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 2 हो गया 4, 4 1 हो गया 4, ये बनेगा आई इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो गया 5, ये बनेगा 5 एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 5/4 ml square, ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन।